नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एजुकेशन अबेमिश में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ 4.1 दैट इज हिस्ट्री ऑफ नॉवेल बाय एजुकेशन हब एमएच। तो आपको पता है ये जो 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है वो बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आने वाला है। जो उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसी से ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में आने वाले है, इसलिए इसके जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन है उसके आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और आगे बढ़ने से पहले आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन होती है वो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैच द पेयर्स है, यहाँ पर कॉलम ए है, यहाँ पर आंसर है उसके, ठीक है। आप यहाँ से इस तरह से मैच कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चंस, पिक आउट दी ऑड एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर उसके आंसर्स है, इस फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर और थर्ड का आंसर विथ रीजंस। यहाँ पर विथ रीजंस आपको प्रोवाइड किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स यहाँ पर है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही 12th स्टैंडर्ड रिलेटेड ऑल स्टडी मटेरियल आपको हमेशा मिलता रहे। उसके बाद यहाँ पर है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, फोर पॉइंट्स आपको दिए हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसका आंसर देखते हैं हम। तो स्टाइल ऑफ नॉवेल और उसका आंसर, द लैंग्वेज एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑथर, ठीक है। यहाँ पर सारा उसका आंसर है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उसका आंसर सेकेंड पॉइंट हुआ, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट और उसका आंसर, देन फोर्थ पॉइंट इंडियन ट्रेडिशन ऑफ नॉवेल्स और उसका आंसर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो वीडियो है वो अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एजुकेशन हब एमएच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।